है कि बहुत एक ही दिन में मुझे बहुत सारे लोगों के नाम बता दिए गए हैं, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, तो मुझे पता है यहाँ मैं छोटी मोटी गलतियां कर सकती हूँ। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि ये मेरे लिए इतना सौभाग्य की बात है, यहाँ पे मैंने एक देवी जी का छोटा, जो मेरा सामर्थ्य था उस हिसाब से मैंने देवी जी का एक छोटा मंदिर भी बनवाया है गभोई गांव में। उन देवी जी की कृपा है मुझ पे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी अमरदीप रनौत, माता जी आशा रनौत, मेरे यशस्वी परदादा सज्जू सिंह रनौत, मेरे दादा बीसी रनौत, मेरे चाचा जगदीप रनौत, और सभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार ही है, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सबके सब मेरे अपने ही है। कोई ऐसा नहीं है जो चाचा मामा ताऊ भाई भाभी नहीं, या जो भी दादे दादियां सारे थी मेरे अपने हैं, इस कोई दो राय नहीं। तो आपको पता है कि ये जो सौभाग्य मुझे मिला है ये आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये बात मुझे लोकसभा में खड़े करने की जो बात है ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब मेरी नड्डा जी से मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि नड्डा जी मैं बहुत ही छोटी हूँ आपके सामने, हर तरह से छोटी हूँ मैं आपके सामने, और जहां से मुझे पार्टी बोलेगी मैं वहां से खड़ी हो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप मुझे मेरे दिल की बात पूछें तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी की सेवा में लगाना है तो मुझे मंडी की सेवा में लगाइए। ये मुझे जो सौभाग्य मिला इसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर, अपने लोग, अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई, उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है, इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं, इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक शक्ति की रक्षा करूंगा। बहन बेटियों के लिए उनका क्या भाव है वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। वो जब हिमाचल आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, इस विश्व के सबसे यशस्वी नेता, सबसे लोकप्रिय और जिन्हें एक अवतार माना जाता है, वो कहते हैं कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। लेकिन कितनी बार सोनिया गांधी जी यहां आए, कितनी बार राहुल जी यहां आए, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया, गोल मोल झूठी मूठी बातें। इन लोगों को क्या भ्रम हो गया है, ये लोग कभी आके देखते क्यों नहीं कि हिमाचल प्रदेश है क्या। दोस्तों मुझे हिमाचल प्रदेश के प्रति ऊंच नीच का सामना मैंने सारी उम्र किया है, आपको पता है, और इसके बारे में मैंने खुलकर बोला है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बुली किया जाता है, मुझे पहाड़ों से आने के लिए बुली किया जाता है, अंग्रेजी ना आने के लिए बुली किया जाता है, मुझे छोटा या नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश की जाती है, और मैंने इसका बड़े खुल के सबको बताया है, आज तक बता इस करके मैंने कितने दुश्मन बना लिए। लेकिन मैंने बाकी हिमाचली सेलिब्रिटीज की तरह ये नहीं कभी कहा कि मैं दिल्ली से हूं, कि मैं बेंगलोर से हूं,
मैंने हमेशा कहा कि मैं मंडी से हूँ और मंडी की ही हूँ। तो दोस्तों ये जो सोच है इनकी, ये कहां से आती है? क्योंकि ये मंडी से कभी जुड़े ही नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की वास्तविकता को जानते ही नहीं, तभी इनको लगता है ये कौन सी वाली मंडी है जहां पे लड़कियों का क्या काम होता है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि वास्तविकता में कौन सी मंडी है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं ये चाहती हूं कि आप लोग जिस दिन वोट दे रहे हो, आप लोग जवाब देंगे, मंडी के लोग जवाब देंगे कि ये कौन सी मंडी है। इनको कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया है कि मंडी के जो लोग हैं या हिमाचल के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे भोले लोग हैं। जब भी आते हैं एक दो जुमले देके चले जाते हैं, 1500 रुपए देंगे, 2000। किसको पैसे मिले? जैसे दिलीप भाई, किसको मिले पैसे? आप देख लीजिए जिन लोगों की सोच ये है, जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। और दोस्तों जहां तक बात है सरका घाट की, सरका घाट के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं वो मैं नेचुरली सी बात है, अभी तो आप लोग मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कैसे करना है, कहां करना है, किस तरह से हम लोग जो हैं जन जन साधारण के पास पहुंचे। लेकिन विपक्ष ने अभी कूटनीति के द्वारा गलत भ्रमित लोगों को करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये तो मुंबई की है, यहां काम कैसे करेगी, आप इसको मिलने क्या मुंबई जाएंगे? तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर अगर मैं मुंबई की हूं? मनाली में किसका घर है? भबोई में किसका घर है? क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूं? क्या मैं हर महीने यहां पे नहीं होती हूं? मेरे भाई का की शादी, मेरी बहन है सुलप्रा बोईरी, बुआ मेरी तलवाड़े ते मुदवाई ते, मेरा दूजा बुआ है और पूरे तले में बिलासपुरा तले ने सदोटा, मेरे मामे सरा घाट पूरे मेरे मामे ने भरीरा है, मनाली अपू मेरा घरा सारे थे बोरा रात खेली रही कने चौका ते ताहे स्कूला जहां थे है, तो स्कूल नहीं था मेरा, मामे नहीं है मेरे सरका घाट का, मंडिया जाने थे शिवरात्रि मेले, तो इतनी कोई इंसान नहीं आ से जी मेरी फैमिली जो नहीं जानता कि मिन जो नहीं जानता है। इस तरह की गल्ला करने से तू जो भ्रमित करी रहा है भी भ्रमित लग रहे करने बिटी हजो मिले तू हजो मुंबई जाने पौना, मुंबई कहाँ जाने पौना, मैं बाहर ब्याह आऊ कभी मैं हिमाचली टोपी तो मैं तद की पहन ले तद की जो राजनीति से थी मैंने तू है जे तुम्हारी जब बदली तुम्हारी जे नौकरी लगी जाओ जो तुम्हें नौकरी जो तुम्हें मंडिया रहे तुम्हें मेरे को नौकरी करो पहाड़ा च नौकरी करो उपर लिया हेठ नौकरी करो बद्दी जाओ चंडी तो तू हरे घर नहीं रेंदे आए ता एड़े भ्रमित लाए तू ही करने और तू भ्रमित नहीं होना आया, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना आया आप लोगों ने। और आप लोगों ने एकाग्रता से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, हम उनकी सेना है, जैसे श्री राम की सेना हनुमान थे वैसे हम उनकी सेना है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। का मोदी जी की सेना है हम, जो वो कार्य देंगे उस कार्य को हम संपन्न करेंगे और उनके पास हर जिला हर गांव हर व्यक्ति के लिए एक प्लान है, 47 तक का प्लान है उनके पास। इतनी बड़ी जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है और जो सेंटर में भी होगी और प्रदेश में भी होगी, उससे जुड़ना है आप लोगों ने। कोई भी आपको किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बोलेगा तो झटपट फोन लगा लेना, मिंजो पापा जी जो चाचा जी जो सबको फोन लगा लो, देखो आप क्या कहते हैं कि उसको आप मिल नहीं सकते, कभी आओ आप मेरे को कभी भी मिलो,
कोई आपको रोक नहीं सकता है। कने एड़ा नहीं कभी सोचना भाई कंगना हीरोइनी है, भाई कंगना फिल्म इंडस्ट्री है, नहीं एड़ा नहीं सोचना है। एड़ा सोचना भी कंगना हरी बेटी, कंगना हरी बहन है। कने मिंजो काम दसने, कने मा तू हरे काम करने। ए जो तुम जो भ्रमित लग रहे करने ना भाई, आहे फिल्म इंडस्ट्री लोग बहुत भरी मेहनती हुए, खासकर मैंने तो 10 साल स्ट्रगल किया है तभी मेरे को वो मुकाम मिला है। कोई खाना खाने वाला काम नहीं है वो, जी जाके कर लिया ऐसा नहीं है। तो बहुत मेहनत बहुत लगन का काम है। ऐसा नहीं कि पापा जी चीफ मिनिस्टर थे कि मेरे पति चीफ मिनिस्टर थे तो मेरे को भी चलो जी साथ में चल गए राजनीति में, ऐसा वाला काम नहीं है वो। ये काम बहुत ही मुश्किल काम है फिल्म इंडस्ट्री का। 10 से 12 घंटे काम करते हैं हम एवरी डे, हर सीजन में, हर ऋतु में, हर सब में। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कंगना से मेहनत नहीं होगी। मैं मेहनती हूं, मेरे को आपने मेरे तक पहुंचना है, मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे पर दया दृष्टि रखनी है। सबसे ज्यादा मेरा अपना जो सर का घाट है। आज सुबह ठाकुर जी का मेरे को फोन आया तो मेरे को कहते हैं कंगना सर का घाट तो तुम्हारा एरिया है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा एरिया है। तो कहते तो हमारे जो दूसरे ओपोनेंट्स भी होते हैं प्रत्याशी, उनको उनके एरिया से लीड मिलती है, अच्छी लीड मिलती है। तो मैंने कहा मेरे को मेरे एरिया से ऐसी लीड मिलेगी, ऐसी ऐतिहासिक लीड मिलेगी कि ठाकुर साहब आप लोग भी एक उसको एग्जांपल सेट करेंगे कि कंगना को वो लीड मिली थी। तो आज जो है हमने अपने कैंपेन का शंखनाद किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया, तो हम बहुत होपफुल हैं। देखो मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ, ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहां से करारा जवाब मिलेगा।